इज्जत नसीबा बख्ता मुकद्रा वाले अजादाराने मजलूम करबला मवालियाने हैदर करार, मैं हकीर फकीर गुनाहगार दी पाक मिंबर ते दुआ है। खल्ला के आलम सदका इस पाक घर दा, जिस घर वास्ते अल्लाह ने कायनात नु खल्क कीता। मौला मेरे अजीजा भाइया बजुर्गों का एहतमाम खर्च मेहनत लंगर न्याज मौला कबूल फरमा। मौला इस शहर नु कयामत तक आबाद रखे। वो घर वसते रहे जिन्हें घर ते मेरे अलमा वाले शकीदा पार है। जितने अकीदतमंद पूरे मुल्क दे तकरीबन पंजाब मेरे सामने मौजूद है, बहुत पुरानी मखसूसी सत चक दी 27 मुहर्रम और बहुत दूर दूर तो लोग इस आजादारी शरीक होते। मौला जिन्हें असानू कठिया किया है, जिन्हें ये मौका सानू दिता है कि बह के कट्ठे पुरसा देवीए, मौला इन्हों जिंदगी, मौला इन्हों के बच्चों की हयाती करे। जितने टुर आए हो मौला तुहानू खैर करे, झोलियाँ भर के जाओ। और यकीनन कमज़ोर अकीदे ना रखो, अकीदे मजबूत और मन लो फरीद के दी बात। इस दरबार चूँ जदा गुनाहगार कोई नहीं खाली बलदा आजादार बलदा है। ये अता दा समंदर है, ये वक्री गल है जो कोई इस समंदर दी मन तू तस्सा जाए ओदे अपने नसीबा दी बात है। वरना इत्थे करम ही करम, करम ही करम, करम ही करम। और वेखो ना इस हबस है, गर्मी है, चाड़ियाँ बच्चियाँ चाड़ियाँ मावा बजुर्ग औरतां बच्चे बजुर्ग, मैं वेख रही हूँ बड़े औके औके बजुर्ग टुर के आए। एक ही वजह है, तजर्बा करे आए कोई ऐसा फंक्शन हो भी बिरादरी है ते बच्चे आखिर बाबा तू बजुर्ग हैं ते बड़ा अहम जिया मसला है, तेरी शमूलियत लाजमी है। अच्छा मेरा पुत्र तू वड्डा है, तू आपे नहीं बाल है, मैं तू नहीं वजीदा है। मगर मजलिस ए पुरानी मखसूसी दा हर नू पता है, ये चार नस्लों लोगों को पता है 27 मुहर्रम का। मैं भी आज तो 30 साल पहले पढ़ गया, आज उस तो ज्यादा रंग है। ये जड़िया मखसूस मजल सन ना जेड़े सारा साल उठ ही नहीं सकते, वो दुआ मंगदर मौला मैं ताकत दे, मैं 27 का पुरसा दे। औलादा नवा दिन मेरा पुत्र सारा साल मैं तेन कुछ नहीं आख्या, मेरा पुत्र भी अरबा नहीं करें ऐ सत चक जी मखसूसी आँगी 27 मुहर्रम की, मेरा पुत्र मैं लाया। क्या है अकीदा है, बुढ़ा है हर शायद जिंदगी दी गुजार बैठा है, हुण ख्वाहिश कोई नहीं मौत मंडला रही है, मगर हुण भी एडा शौक है आजादारी दा, भावे औखा है आदा है मेरा पुत्र मैं चाह के लै वंजना पवी लै वन। मैं आ जा अल्लाह तेरी हयाती करे, 51 साल की मेरी नौकरी हो गई। मैं बिस्मिल्ला मुर्शे आ बाबा रर्रा शाह मेरे तो मौलाना बड़ा शरीफ थे, इज्जत आला आजादा सारे इज्जत आले बैठे, इतने कोई ऐसा नहीं जेड़ा कोई घाटे तो दुआ कोई वादे। हुसैन दी बारगाह नबी है
वह भी उठाई बैठा है, हबशी है वह भी उठाई बैठा है। इया तो जड़ी मसावात हुसैन कायम की थी। तवज्जो बदियां दे अकीदे कमजोर हो गए। ए गल मैं कहीं दी चेड़ तो नहीं करेंदा, कहीं दे खिलाफ नहीं करदा। करमा लिया ओ मैं माहौल दिठे पुराना दौर दिठा है, चार नस्लां ए जड़े बच्चे बैठे ने चौथी नस्ल है। मैं जड़े रंग वेदा पियाँ दुख होंदा है, तकलीफ होंदी है, रो रो के साइया तो दुआ मगदा मौला जिंदगी च मंगी है इो जिक्र हा ते हुण ओ भी जिक्र। मौला केड़े रंग च पिया होंदा है तू कबूल कर लै। सारा दे बैठ कई तबसरे आंदे पए, सारा दे लंगर खाधी बैठे, बैठका च बैठे तकिए लाई बैठे, गिले पे आते तो कहे नाई बैठे, तो कहे नाई बैठे, कहे खुश होके मिलते, कई नाल मुँह हटाइंदे, जेड़ा कहे की फूड़ी ती आवे उत्थे दुश्मनी याद होंदी है। कहे फूड़ी ते वंजो मुखालफत याद होंदी है। ये वत की हो जाए मोमिन हुसैन दे जिक्र ते आंदे ते दिल च एक बैठ दी अजय मुखालफत रख देन जिमें आया है उन्हें वैसे। हुसैन तेरी लोड़ नहीं, तेनू हुसैन की लोड़ है। हुसैन रोमन वास्ते तो नबी काफ़ी है, और कोई रोवे ना रोवे और भैन काफ़ी है। आंदा गुनाह माफ करा मैंने ते लै के गुनाह वही ना है, ये इसलाह कहे कर लीए। साहबान मिंबर उलमा ने जाकरी ने असी गल करिए ते आ दिन बुढ़ा हो गई है, ये क्यों करें दे न करा तेरे गुनाह ते पर्दा पाई रखा तेरिया सुनी रखा। मासूम फरमाइंदा जेड़ा जुल्म दे खिलाफ नहीं बोलता वह भी जालिम है। इतने जुल्म नहीं, इतने तो आजादारी के खिलाफ गल्लां पईयां होंदियां। ना बोला मैं कोई बेगैरत हां ना सदखा। 51 साल मैं पढ़िया है, इतना पढ़िया है कोई मुल्क दा ऐसा खिता नहीं, कोई ऐसी बस्ती नहीं जिते मैं साई की नौकरी नहीं दिती। हुण ओह हसरत है कोई ना, हुण ये है कि जेडे तजर्बे ते जेडे रौन दौर मैं दिते वो इन्हों दौर दसेंदा पी हाँ वो दौर इंज हों। सारा दे मोमिन घरों आवे ना अपनिया रोटियां लेके आते आए। मैंने याद है सानू बाबिर लै बजे ना वो साड़ी अम्मा और दाने फुन के ना जी ए कणक के दाने ते मिठे बना के ते आओ लै बजे ना ते मिठे मिठिया रोटियां। एक लाइन मर्दा दी हो गया, एक लाइन परदेदार हो गया। कौन पवें दिन हुसैन दे आजाद बत ए ना ही होता। एक उठे है ये तबड़ा जा करे चलो या तू क्यों बैठा है फलाना पिया पढ़ दई पकी दे पिया बहना है चोर पर क्या इो है साढ़े मिंबर की तरबियत। ये जो सारा देह का जिक्र होया है ये कोई अज मुहम्मद की धी आई ये रथों की आई बैठी है। जे ये अकीदा नहीं तो फिर कोई शिया नहीं, ये अकीदा है कि पर्दे च आंदी है। मैंने दस तेरे वास्ता है अज के दिन का, ते तेरे वास्ता है पाक हुसैन के जख्मी वजूद का जड़ी पर्दे चा बांधी। इस भी कदी आखी अज मैं इन्हू नहीं सुनती। सोच बदल, दुश्मन छा रही है, अकीदे कमजोर हैं, लोगों को समझ आ गई है हुण एक कौम च अकीदा कोई नहीं, जो मर्जी है बोली जाओ। अगे किसी मकाम ते जलूस रुकिया ए बाबा रजा शाह ए बजुर्ग बैठे
सियाल शरीफ ओ तक कौम न गई जे तक बाबे हैदर से अलम नहीं लगा। ए बुजुर्ग खुद पूछो अलम लाए आज तक वो यादगार मौजूद है हूँ सामने अलम सड़दा पी होता है भी फलाने का आपे मुके फलाने का घर है आपे मुके अलम लाए आज तक वो यादगार मौजूद है हूँ सामने अलम सड़दा पी होता है भी फलाने का आपे मुके फलाने का घर है आपे मुके ये कौम का मियार है। तो जदा ये ईमान ते अकीदा बच बजे मैं एक सवाल करे ना कोई नाराज होवे कोई राजी होवे मैं अपनी कमर च वजना 51 साल नौकरी दिती अज दे हालात ते क्या हौसले शिया मुक गए हैं जदा हुसैन कुटा जदा जनाबे मुस्लिम गए कितने पिछू है ते जदा गलियां च लाश घसीटी ने वो किधे गए चलो साथ ना दें दे यार मैंने जवाब दिया मुसलमान हो साथ ना दें दे ना लड़ दे ते जेले मुस्लिम दी तौहीन पई होंदी है उसले तो मर वे दे फाच पत्थर जलेंदी रही ना कुछ दे हुसैन नाल ने सारे निकला दे ओ बेगैरता हुन साथू बर्दाश्त नहीं होगा किदे कह दो भैया अली की थी छत्री साल कह दे मौला रजा दा बाबा चुके शिया गैन साई ने पूछे सिर्फ शुक्र करो असा ए हुसैन आले पासे खलोते आए इस पासे खलो के ता यजीद आले काम ना करिए क्योंकि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है आजादारी खत्म होवे हुसैन दा नाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ए सोच जी कभी कामयाब नहीं हो सकती लेकिन कर रहे हैं कोशिश थोड़े सामने जंजीर के खिलाफ बात हो रही है नहीं हो रही है। अब एडिट है करबला टीवी स्टेशन लगता है उस पर एडिट है इराक के उलमा खंजर का मातम पे कर दे जे मैं झूठ बोला तो बारवा इमाम मेरी शक्ल मस कर दे तमाम उलमा जंजीर दा ए खंजर दा माता जलजनात एतराज हो रहे हैं कौम खामोश सब कुछ हो रही है चुप करके पीती वही दे ते बैठ के चुप के फतवे देते हो नहीं मिट सकता हुसैन क्यों अकीदे की बात है जेडे मजारा ले पे जे तक इन्हों दबर चुमी दिया ने हुसैनिया तू मिटन नहीं दे दे इस वास्ते तो फरीद का मिंबर से बोलता है हर मिंबर से बोलता मुल्ला दा हुसैन हो रे फकीर दा हुसैन हो रे बोल पाओ मुल्क बैठा है मैं इतराज आंदे बड़े बड़े बैठ के चुह के बंदे तबसरे करे फरीद का यार बहु बोले ते ना बोला मुल्ला दा हुसैन होर फकीर दा हुसैन हो कुरान मेरे सिर ते इस तू मैं वड्डी वड के तेन करके सुनावा मुल्ला दा हुसैन रजी अल्लाह है फकीर दा हुसैन बिना इला इला है बोल पा बोल पाओ सच ते बोलिया कर मुल्ला दा हुसैन
साइन टीवी ते देखो ना ए मुहराबे की टीवी आते आज तो 30 साल पहले टुर जाओ हुसैन रजी अल्लाह कोई ना ए हुन एक मखसूस गरोह आ गई है मखसूस लोग टीवी ते आके छा गए अगे अरे मौला अली अलैहि सलाम दे मुतल्लिक अहले सुन्नत आते ने खरा मुल्ला वज हो और वो भी रजी अल्लाह एक तो टीवी तो एडा वड्डा मौलवी आंदा जेड़ा कैमरे च नहीं आंदा ओ बाबा के दो उच्चा दे हुसैन रजी अल्लाह मैं होवा मैं टीवी थी होवा बामे गोली लग बने आका मौलवी हया कर लफ्ज बुरा नहीं तेरा अकीदा बुरा है तवज्जो लफ्ज बुरा नहीं बड़ा प्यारा लफ्ज है रजी अल्लाह ताला अनहो मगर दुआए अगो बैठे हो पूरा मुल्क बैठे थे सारे आजादार बैठे हो बुजुर्ग बैठे हो ये दुआ है अल्लाह राजी हो ये दुआ नहीं थके एक जन्नत दी टिकाटे ते बोल पो अल्लाह राजी हो यानी शक खल है ना जे राजी हो ते दुआ क्यों मंगदा कोई बैठे हो मैं दलील देता अजीब मैं आना एक मोमेंट मैनू आता है फरीद का शायद पुराना ना करें दुआ मंग अल्लाह मैनु पोत्र दे वे अल्लाह मैनु पोत्र दे जे होता तो मंगता क्यों ये मंगन दलील है जो पोत्र कोई दे अल्लाह रिस्क दे कोई नहीं ना अल्लाह शफा दे कोई नहीं ना अल्लाह राजी हो शक्के चे ना अच्छा ते दुआ कहिंदे वास्ते होंदी है जेड़ा मौताज होवे ते जेड़ा गुनाहगार होवे कूड़िया ना मेरा हुसैन मौताज है नऊज बिल्ला गुनाह ना तो सबारी कोई नहीं कर सकता रजी अल्लाह की लट लगी खली है रजी अल्लाह की लट लगी खली है थोड़े बड़े बड़े अलामे फहामे बड़े बड़े मुजताहे तो बड़े बड़े बंदे चुप बस तो करना देख चल जब मुनाजरा तेनू आके लफ्ज हुसैन वास्ते नहीं वाह वाह ए सहाबा कराम वास्ते रिजवानुल्लाह अलैह ए लफ्ज मखसूस है सहाबा कराम वास्ते क्यों उन्ना बुत पूजन कलमा पढ़ के मुसलमान हो बोल पाओ जे मैं गलत हाँ तो उठियो मैंने टोक दियो केड़ा सहाबी है जेड़ा कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होया कलमा पढ़िया पहले दी जिंदगी बहुत पूजे दे रहे उस ते लानत की थी सोने दा कलमा पढ़िया तेरा हक बनता है दुआ मंग अल्लाह राजी हो भी एडा नेक अमल की ताई अल्लाह राजी हो भी लेकिन कुछ सोच के बात कर जेड़ा 40 साल बाद कलमा पढ़े हो भी रजी अल्लाह ते जेड़ा मुहम्मद दी जबान चूस के पल्ले हो भी रजी अल्लाह बोल पा बोल पा इकवंजा साल का नौकर इकवंजा साल सिर्फ कम जिक्र बतूल दे पुत्र दा कीता है फरीद के ना कपड़े ते कोई दाग है ना कोई सैकंडा है पूरे मुल्क च मेरा चैलेंज है किसे को कोई गल है उठी वे आज तो बाद मिंबर ते ना आसा है कोई उठ जाकर आज मौलवी आज कोई बंदा उठे फरीद के दे गल करे आज तो बाद मिंबर ते ना आसा ये जिक्र मैं कुरान समझे आए ते लफ्जी नहीं समझे आए मेरे इत्थे कुरान है ठके दा बंदा नहीं ते सैयद तल्ले बैठे ते मैं मिंबर ते खलोता मैनु पता है मेरी हकीकत क्या है जेड़ा हकीकत भूल गया है ओनू दुनिया भूल गई तारीख भूल गई देखो
नबी दा फरमान तवज्जो खत्म बात जैदा कलमा पढ़े है सोना नमाज उस आखी ते पढ़ी रोजा उस आखिया ते रखिया नेकियां उस आखियां ते असा कीतियां जेड़ा उस आखिया ए हलाल है असा खाता है जेड़ा उस आखिया ए हराम है असा छोड़िया है बोलो यानी जो कुछ असी करते हैं सोने दे हुक्म दे तहत ते फिर ये भी अल्लाह दा के ए नहीं भुले दा मैं भुले ना ए नहीं टुरदा मैं टुरदा ए किसे ते नाराज है मैं नाराज हाँ ए कहें ते राजी है मैं राजी हाँ और बोलो क्यों ए दे सदके मैं कायनात बनाइए महबूब है खुदा के अल्लाह दा तेरे सदके बनाइए जैंदे नाल तू है ओदे नाल मैं हाँ जैंदे कोल तू है ओदे कोल मैं हाँ जैंदे दिल च तू है ओदे दिल च